सो गाइस फाइनली अब हम लोग देख लेते हैं बिलिंग एंड पेमेंट्स के बिलिंग और पेमेंट्स किस तरीके से हमने अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करनी है। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने अपने बिजनेस मैनेजर में ओपन हो जाना है। इधर आप लोग नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिलिंग एंड पेमेंट्स का, इस पे आप लोग क्लिक करके नेट ऐप पे ये आपको ले जाएगा। सिंपल से आपके सामने जितने भी आपके एड अकाउंट होंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। अभी के टाइम पे मैं पहले वाला आपको शो करवा रहा हूँ। जो भी एड अकाउंट में आप पेमेंट ऐड करना चाह रहे हो उसके बिल्कुल सामने आपको एड पेमेंट मेथड का एक बटन मिलेगा। सिंपल से आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी, बिजनेस लोकेशन एंड करेंसी का पूछेंगे। पहले आप लोग अपनी कंट्री सिलेक्ट करोगे, करेंसी जो भी आप पाकिस्तान में हो तो लोकल करेंसी चलेगी हमारी, और उसके बाद टाइम जोन और नेक्स्ट कर देंगे सिंपल से। अब ये पूछे हैं आपसे कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन हमें दो, अपनी बिजनेस एंड टैक्स इन्फो। आप लोग इधर से एडिट कर सकते हो जो भी आपने दी होगी। उसके बाद पेमेंट मेथड आ जाते हैं, वीजा डेबिट मास्टर जो कार्ड लगाना है इधर लगाओ। उसके बाद आई हैव एन एड क्रेडिट टू क्लेम, अगर है तो उसको टिक कर देना, अदरवाइज रहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कर दो। अब ये कार्ड की डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं, तो आपने अपने कार्ड का जो भी नाम है, जो भी कार्ड पे नेम है, उसके बाद कार्ड का नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी, सिक्योरिटी कोड जो होता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने एंटर करनी है इधर और आपने सेव कर देना है। इन केस आपके पास कार्ड नहीं है तो आप सादा पे का अकाउंट बना लो। प्ले स्टोर पे सिंपल से जाओ, सादा पे लिखो, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उधर आपको एक वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, वो आप लोग इधर अटैच करके अपना काम चला सकते हो। इन केस अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, अदरवाइज अगर बैंक अकाउंट है और उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जोन नहीं है तो देन भी आप उसके साथ जा सकते हो। होप करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि पेमेंट्स एंड बिलिंग का जो सेक्शन है उसको आप लोगों ने किस तरीके से यूटिलाइज करना है, और पेमेंट आपने फेसबुक को किस तरीके से देनी है, उसके लिए आपको पेमेंट मेथड ये ऐड करना पड़ता है। हाउ टू वेरीफाई डोमेन। अब डोमेन वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से करनी है चले वो सीख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बिजनेस मैनेजर में दोबारा आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करोगे ब्रांड सेफ्टी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करो। नीचे दो ऑप्शन आ जाएंगे, पहला डोमेन वाला ही है, डोमेन पे क्लिक कर देना है। इधर आप लोगों को एक साइड पे बटन भी मिलेगा ऐड का, आप लोगों ने ऐड पे क्लिक करना है। दो ऑप्शंस आ जाएंगे, पहला रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ डोमेन, सेकंड क्रिएट न्यू डोमेन। हम नई डोमेन क्रिएट करेंगे, उस पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब ये विंडो आएगी, इधर आप लोगों ने अपने डोमेन का नाम देना है। जो भी आपके पास डोमेन पड़ी हुई है, आप ई कॉमर्स कर रहे हो या आप जैसे भी काम कर रहे हो, आपके पास डोमेन तो होगी ना, तो वो डोमेन आप लोगों ने इधर ऐड कर देनी है। जैसे ही ऐड करोगे, अब ये वेरिफिकेशन के लिए कह रहा है, आपको ऊपर देखो भी तो नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। अब इधर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको मिल रहा है, इधर मैं जैसे क्लिक करूंगा हमारे पास तीन ऑप्शन आएंगे। पहला वो कह रहा है कि आप HTML सोर्स कोड को यूज कर सकते हो, उसके बाद HTML फाइल, और थर्ड नंबर पे DNS टेक्स्ट। तो मैं नॉर्मली DNS टेक्स्ट के जरिए ही वेरीफाई करता हूँ। अब DNS टेक्स्ट का रिकॉर्ड किस तरीके से ऐड करना है, आप लोगों ने जिधर से भी जोन सा भी प्लेटफॉर्म से अपनी डोमेन बाय की हुई है, फर्क नहीं पड़ता GoDaddy है, Namecheap है या कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, आपने उधर जाना है, उधर जाके ये रिकॉर्ड ऐड करना है। अब इसका मैं आप लोगों को डेमो दे देता हूं। अब आप लोग नॉर्मली, मुझे नहीं पता आपने किधर से अपनी डोमेन बाय की हुई है, सिंपल से आप गूगल पे जाके सर्च करो या यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि हाउ टू ऐड DNS रिकॉर्ड्स। आप लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से देख लेना है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एज अ डेमो Namecheap का अकाउंट मेरे पास एक पड़ा हुआ है, उसकी डोमेन का DNS मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। जस्ट आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने अपना जिधर से भी डोमेन बाय की है उस हिसाब से आप लोगों ने DNS को ऐड करना है। सो Namecheap का ये मेरा डैशबोर्ड ओपन है, आप लोग जैसा कि देख सकते हो। अब इधर आपकी जो भी आपने डोमेन्स बाय करके रखी होंगी इस प्लेटफॉर्म से वो शो हो जाएंगी। साइड पे एक मेन्यू ड्रॉप डाउन है, उधर क्लिक करोगे तो एडवांस DNS का एक बटन मिलेगा लास्ट पे आपको। अब ये DNS सेटिंग्स होती है, इसमें आपको जितने भी DNS होंगे ना वो आपके शो हो जाएंगे। अब इधर मैं नया रिकॉर्ड ऐड करने वाला हूँ TXT रिकॉर्ड के नाम से, इधर मैं TXT रिकॉर्ड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद होस्ट में आके आप लोगों ने एट द रेट डाल देना है, वो आपको फेसबुक ने ऑलरेडी बता दिया था पीछे, अगर आप लोगों ने देखा। वैल्यू हम लोगों ने उधर से कॉपी की थी, वो कॉपी करके इधर पेस्ट करनी है। इसको मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा रिकॉर्ड जो है वो एड हो गया है। इसको मैं इधर से वेरीफाई करता हूँ और हमारी जो है डोमेन वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। ऊपर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो, वेरीफाइड लिखा हुआ आ चुका है। सो ये एक सिंपल सा तरीका है डोमेन को वेरीफाई करने का। होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके सो गाइस फाइनली अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज पिक्सल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग इसको इग्नोर मार देते हैं। पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसको नेक्स्ट सेटअप किस तरीके से करना है, क्रिएट कैसे करते हैं, वो आगे चल के हम लोग सीखने वाले हैं डिटेल में। अभी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि पिक्सल क्या चीज है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, मोहल्ले में एक पब्बे कुटनी होती है ना, जो मतलब के सारी चीजों पे नजर रखती है कि कौन सा फलां घर है, उसके घर में कौन आया,
कितने बजे आया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सारी चीजों पे नजर रखती है। सेम पिक्सल का यही काम है। पिक्सल क्या करता है, आपकी जो भी वेबसाइट पे विजिटर आता है ना, आपका जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पे लैंड होता है, वो उसकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है। वो देखता है कि इसने किधर क्लिक किया है, कौन सी पोस्ट इसको पसंद आई है, ये खरीदने वाला बंदा भी है या सिर्फ इसने देख के जाना है, तो वो ये सारी चीजों को ट्रैक करता है। पिक्सल का यही काम है। अब पिक्सल क्या करता है, सभी को एक डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा ऐसा आया जो कि सिर्फ देखने वाला ही है, वो परचेजिंग नहीं करता, नॉर्मली वो आपके लैंडिंग पेज पे क्लिक किया उसने और आपकी वेबसाइट पर आकर लैंड हो गया। अब सिंपल से उसने क्या देखा, चीजें प्रोडक्ट्स देखी, उसको कोई पसंद नहीं आई, उसने पिक्सल ने क्या किया, उसको थोड़ा एक सेक्शन में लैदा बना के डाल दिया कि ये बंदा परचेजिंग वाला नहीं है। उसके बाद एक और बंदा है आपकी वेबसाइट पे, उसने क्या किया, ऐड टू कार्ट किया, लेकिन उसने कोई भी चीज परचेज नहीं की, तो पिक्सल ने उसको एक दूसरे सेक्शन में डाल दिया। उसके बाद एक और बंदा है आपकी वेबसाइट पे, उसने क्या किया, ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, सारी डिटेल्स डाली, प्लेस किया ऑर्डर को और चला गया, तो पिक्सल उस तीसरे बंदे को एक अलग सेक्शन में डाल देगा। ऐसे ही जैसे जैसे आप लोग को विजिटर आते जाएंगे, रीच आती जाएगी, पिक्सल आपका ऐसा ऐसा मेच्योर होता जाएगा और आपकी एक्टिविटी को कस्टमर्स की ट्रैक कर करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा। अब फेसबुक पिक्सल की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग पर आपको इसको ट्रेन करना पड़ेगा डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ, डिफरेंट टारगेटिंग के साथ। जैसे जैसे आप लोग अच्छे इंटरेस्ट को टारगेट करोगे, आप इसको जितना अच्छे से ट्रेन करोगे, ये आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा। बहुत लोग कहते हैं कि फेसबुक में हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हमें सेल्स नहीं मिल रही, तो मिलेंगी भी कैसे। आप अपना पिक्सल नया है, पिक्सल को थोड़ा मिच्योर करो, जैसे पिक्सल मिच्योर हो जाएगा उसको इंटरेस्ट दो, उसको ऑडियंस दो, देन वो आपको बहुत कम बजट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा। अब पिक्सल अटैच किस तरीके से करते हैं, चलिए मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, उधर हम लोग डिटेल में सीखते हैं। अगेन से आप लोगों ने बिजनेस मैनेजर अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर आप लोगों को जो तीन लाइनें शो हो रही हैं उस पर क्लिक करोगे, ऑल टूल्स में आ जाओगे। इधर इवेंट्स मैनेजर पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करोगे, हम लोग इवेंट्स मैनेजर में चले जाएंगे। अब इधर साइड पे कनेक्ट डाटा सोर्स का एक बटन मिल रहा है, उस पर क्लिक करना है। इधर सारे के सारे सोर्सेस शो हो जाएंगे, वेब है, ऐप है, ऑफलाइन है, CRM है और मैसेजिंग है। हमारी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट के लिए कनेक्ट करना चाह रहा हूं तो मैं वेब करूंगा। आपकी कोई एप्लीकेशन है या ऑफलाइन इवेंट है तो आप उसके साथ जाओगे। अब मैंने वेब सेलेक्ट किया, न्यू डाटा सेट। अब मुझे ये पिक्सल का नाम पूछ रहा है, तो आप लोगों ने अपने पिक्सल का जो भी नाम रखना चाह रहे हो वो आप लोगों ने इधर सेट कर लेना है। मैं नेक्स्ट करता हूं। अब ये पूछा है इंटर योर वेबसाइट URL। अब आपकी जो भी वेबसाइट, आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, उसका आप लोगों ने URL इसे दे देना है। सिंपल से इसको मैंने URL दिया, नेक्स्ट किया। अब इधर कह रहा है सेटअप मेथड कौन सा रिकमेंडेड, जाना चाह रहे हो या खुद सेटअप करना चाह रहे हो, तो मैं खुद ही सब कुछ करूंगा, मैं योरसेल्फ पे जाऊंगा, नेक्स्ट कर देता हूं। अब इधर सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है रिकमेंडेड जो है कन्वर्जन API का, आप लोगों ने इसी के साथ जाना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। जितने भी अब सारे प्लेटफॉर्म्स है ना, पहले नंबर पे जो सेटअप पार्टनर्स इंटीग्रेशन आ रहा है, आप इसके साथ जब जाओगे सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं, इसमें वर्डप्रेस भी है, WooCommerce भी है, Shopify भी है, सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। अब आपने जो भी प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हो ना, उस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट आगे अपना पिक्सल का प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। अब बहुत सिंपल चीजें हैं, आप लोगों ने देखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हो। वर्डप्रेस के साथ काम कर रहे हो तो वर्डप्रेस का तरीका लैदा है। WooCommerce के साथ काम कर रहे हो तो WooCommerce का पिक्सल का अटैचमेंट का तरीका लैदा है। Shopify के साथ काम कर रहे हो तो Shopify का तरीकाकार लैदा है। आपने सिंपल से गूगल पे जाना है या यूट्यूब पे जाना है, उधर सर्च करना है कि हाउ टू कनेक्ट फेसबुक पिक्सल विद Shopify, हाउ टू कनेक्ट फेसबुक पिक्सल विद WooCommerce, हाउ टू कनेक्ट फेसबुक पिक्सल विद वर्डप्रेस। तो ये सारे अलग-अलग सभी के मेथड्स हैं, आपने सिंपल से जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो आपने अपने हिसाब से जाके देख लेना है। अभी के लिए मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों ने सिंपल से उस वीडियो पे जाके देख लेना है। भाई ने बहुत डिटेल से गाइड किया है कि आप लोगों ने अपना फेसबुक पिक्सल किस तरीके से Shopify के साथ कनेक्ट करना है। होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि फेसबुक पिक्सल क्या चीज है, इसका क्या काम है और नेक्स्ट उसको आप लोगों ने किस तरीके से अटैच करना है।